ना ना इंजरी ना होगी। ओके वन दो हे चेक मार देगा, बड़े प्यार से मार देगा। चलो ये चलो चल तेरी। तो गाइस टाइगर भाई के जिम पहुंच चुके हैं और जिम का टूर करा दे तुम्हें। जिम में भी लाइटिंग लगी और मिरर लगे हैं। मीटअप है पूरा 18 तारीख को। बताइए भाई एड्रेस। एड्रेस है, एड्रेस क्या है वो भी ना पता। हे राम राम जी, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? और अभी जो ये वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ, वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट करेंगे। साथ में नितिन भाई और सारे भाई आने वाले हैं, मतलब जबरदस्त वर्कआउट करेंगे। चलो अभी बुला रहे मुझे लिया हुआ। मजे तू ही ले रहा है। तो किसी के जिम से लेना देना है, तो किसी की कमाई से लेना देना है। लेकिन सही बताऊ मैं आदि, शायद इस बारी तेरा सच में ही जाएगा वैलेंटाइन डे खराब। कोई भी लौटना चाहती तेरी जैसी शक्ल के आदमी की गैल घूमने आ टाइम तक। कितना बुरा लग रहा है काय। ये जरूर बताना कि आदि की लुक कैसी लग रही है। देखो हमें तो अच्छी लग रही है, आप लोगों को भी अच्छी लगनी चाहिए, आशा ये करता हूँ। लुक चेंज होती रहनी चाहिए और जो लुक चेंज करता है उसी को स्टार बोलते हैं। और कितनी हिम्मत आदि से बोलते हैं। चलो भाई वर्कआउट करते हैं। आदि चेस्ट मारेगा? हाँ जी। हाँ भाई चेस्ट मारोगे ना? चलो तो आज वर्कआउट जो होने वाला बहुत तगड़ा होने वाला। आज वर्कआउट में नितिन दोनों ना गिरेगा मुंह के बाद। हम तो पहले गिर जाएंगे भाई, हल्का ही वर्कआउट करेंगे भाई। अच्छा जैसे कि आप लोगों को मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, 10 से 20 मिनट बॉडी को वार्म अप लगता है और वार्म अप के बाद 20 मिनट के बाद बॉडी में एडजस्ट रिलीज होता है और वो 20 मिनट का आपका वर्कआउट हो जाता है, उससे अगले 30 मिनट तक रहता है, उसके बाद डाउन होने लगता है। तो कोशिश ये रहती है 20 मिनट के बाद हम जितना फैल सके। मो चल चला दी तगड़ा आदि, चल एक दो तीन, चल चार, चल पाँच, चल छः, चल सात, चले आठ, बहुत बढ़िया, नौ दस ग्यारह, चल बारह, चल तेरह, चल चौदह, लास्ट वन, ओके डन स्टॉप। टक्कर दे रहा है कोई ना, अगले सेट में गिर लेगा। सो भाई नितिन का है अपना तीसरा सेट और तीसरे सेट में ही आप जो को पता ही है कि अगला गेनिंग कर रहा तो गेनिंग जैसा वेट ही मारेगा। तीसरे सेट में अपना 100 किलो, चलो और मारेगा भी रैप, ऐसा नहीं है एक दो रैप मारेगा। चलो जी, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो हम तो भैया क्रिएटिन ले रहे हैं और अपना प्रोटीन ले रहे हैं और कुछ ना ले रहे हैं ऐसी कि भैया हमने कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हो, नहीं। चलो भाई 8 से 10 के बीच में चला दी। आधी ग्रीप में जान लगाइए बस, ठीक है। चल बेटा थोड़ा सा वाइट करा दी, मार देगा आराम से, ठीक है। वन टू थ्री, चल बेटा चल, एक बढ़िया, चल तगड़ा, दो चल, तीन शाबाश, चार चल, पाँच चले, छः चले, सात चल भाई, आठ शाबाश। सेल्फ मारे आदि, नो डाउट स्ट्रॉन्ग आदि भी, ऐसा ना हल्के में ना लड़का। पावर का राज बताऊंगा। चलो चलो भाई अब अपने नितिन की पावर का राज बताते हैं हम, नितिन क्या खाता है। चल तगड़ा ले जाए नितिन, एक दो तीन, सुबह शाम गाली खाता है। चलो चलो दो, चल चल बी सीरियस, कमान भाई भाग, ओके छोड़ो, चल छोड़ दिया, एक दो चल, तीन चल, चार चल, पांच बढ़िया, चल छः तगड़ा शाबाश। तो भैया ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाली प्लेट है 15 किलो की, 6 यानी कि 130 किलो से वेट वेटर, 20 से 25 की रॉड भी होगी। तो चलो हम वेट गिनते हैं, कितने रैप मारे हमने? 6 रैप, बहुत बढ़िया। चल भाई आदि, अगर एक बार भी मार देगा यार, ऊपर भी चैलेंज को चल भाई, हंसना नहीं है, हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करे कर। चलो यस कमान, चल है बस की तो लगा 10 की, चल बेटा बाहर कर, बाहर कर, थोड़े से ना ना इंजरी ना होगी। ओके वन तो हे चेक मार देगा, बड़े प्यार से मार देगा। चलो ए ये चलो ना लगा, चल तेरी यहां दर्द होगा, तो नीचे क्या धार तर हुआ शेर की तरह। तो तेरी बन रही है 100 किलो की बेंच, बट 100 किलो की तो तूने सही रैप मार दी यार। कितने मारे थे रैप हमने 100 में? 8 मारे, तो इसका एक रैप भी ना लगा। वो इधर पूरा यहां दर्द हो रहा है, छोड़ दे। ठीक है सर, कोई नहीं, बी सेफ चलना चाहिए, जरूरी है सेफ चलना चाहिए। ईगो लिफ्टिंग से कुछ फायदा नहीं होता, वो इंजरी हो जाती। सही किया तूने। सो मेरे भाई आप सब लोग मत करना देख के कि हमने वेट मार रहे हैं, किसी भाई को भी ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम 4-5 लोग खड़े हैं इसलिए एकदम से उठा लिया। अगर कोई और ऐसे कर रहा होता तो सीरियसली में इंजरी हो जाती,
इंजरी सेफ रहो और ईगो लिफ्टिंग नहीं करने, जैसे कि अभी आदि ने भी करी है कि नितिन ने मारे तो मैं भी करूंगा, दिस इज अ कॉल ऑफ ईगो लिफ्टिंग, ठीक है। तो आप लोगों को सेफ रहना है, और ये अगर आपके साथ भी सब लोग खड़े हो तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, बट नहीं ट्राई करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंक्लाइन पे मैं 45 किलो का डंबल मार रहा हूं, इंक्लाइन फिसल गया, मैं यहीं तो था, मेरे दर्द हो गया कभी जब तो इसकी कुछ वो करवा, थेरेपी वेरेपी नितिन ने बंदा भेजा मेरे पास, बहुत अच्छा थेरेपी वाला है। 6 7 8 9 ध्यान से देखो, टेक्निक देखो, 11 अब समझे तुमने कुछ चीजें क्या है। नितिन हाफ मार रहा है, तुम लोगों को लगेगा नितिन तो हाफ मार रहा है, हम तो फुल क्यों करा रहा है, रीजन है वो अपने मसल, उसके मसल बड़े हैं तो वो हाफ में उसको कंट्रोल कर लेता है, लेकिन तुम्हारे मसल छोटे, तुम्हें फुल रेंज ऑफ मोशन मारना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके मसल है, हाँ बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को सिखाना भी जरूरी है ना। बताओ, 1 बाहर ले जा, अब ऊपर लाया तक डंबल क्लोज कर, 3 मिला डंबल, 4 ये, 5 6 चल, 7 चलो, 8 बढ़िया, 9 10 शाबाश, इजी, वेरी गुड। ये 30 किलो का डंबल है, आप लोगों को शायद ये हल्का लग रहा होगा, लेकिन जिस भाई को भी हल्का लग रहा हो ना, एक बार आके जरा सेट मार के देख लेना, अच्छे अच्छे का भूत बना दे, अच्छे अच्छे का चल बड़ा, चल 1 ये शाबाश, आज ही डंबल हटे इसके पैर में अटरा, चल चल लेग्स खोल ले, लेग्स वाइड कर, बराबर कर, कंट्रोल कर लेग्स में, चल ओके कमान। कभी भी नीचे डंबल रखा हो ना तो ऐसे क्या होता है, हम लेग्स को एक को अंदर कर रहे हैं, हाँ। तो पूरा बॉडी वेट इधर से हो जाता है, कंट्रोल कम यहाँ पे ज्यादा, कंट्रोल ज्यादा, ये भी एक इंजरी का पार्ट होता है। अच्छा, हाँ अपने डंबल हटाओ, अपने पैर है पूरा कंट्रोल रखो, लेग्स का पूरा कंट्रोल रखो, बैक पूरी, नीचे डंबल पहले हटा लो प्लेट प्लेट, तब मारो, 4 3 चल, 2 चल, 1 चल, एक हाथ समार, 5 4 1 2 3 4 5 होल्ड, चेस्ट बाहर का पूरी बार, 1 2 3 5 रहे, 5 4 3 2 वन मोर, ओके डन स्टॉप, ये 6 दबा दबा, 7 8 जा पीछे जा पीछे जा, 10 चल, 11 चल जा, 12 चल, 13 चल, 14 स्टॉप, चल वेट कर, चल चल वेट, ठीक है वेट बढ़ाना है, बाहर 2 1 ओके मूव, 5 आ जा, ये 5 दबा, 4 चल दबा, 3 चल 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 चल, 2 मोर 2 वन मोर, एक और चल स्टॉप, चल दबड़ा, चल जाओ उधर, 1 चल, 2 चल रोक इसको यहीं, 3 इसको यहीं रोक, चल 4 इंक्लाइन बेंच, यस आ जा, आ गया ओके शेड सीधा, चल 5 रहे, चल 5 4 चल, 3 चल, 2 वन मोर, यस डन हो गया ना, मैं सारी जोर रखती थी, चल भाई 8 9 10 11 60 किलो के बाहर रहा है, पिंक लाइन का सेकंड सेट है, 1 2 3 चला दी, मार देगा बड़े प्यार से, 1 2 कमर खाली कर, 3 हाँ खाली करें, 4 हाँ, 5 चल, 6 चल, 7 चल, 8 चल, 9 एक और 10 आने दिन, लास्ट सेट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शाबाश, 11 तगड़ा चल, 12 बढ़िया बढ़िया, आधी आधी सेम वेट ना, हाँ जी, चल बेटा बाहर से पकड़े थोड़ी, ठीक है थोड़ा और घूमता, बिल्कुल चिकन हो जाएगा, यहाँ से पकड़ तू, ठीक है गुरुजी को फोकस रखिए, यह खाली रखिए, ठीक है चल छोड़ा, 1 2 3 मूव, चल यस छोड़, चल 1 आ ऊपर, 2 करते नहीं, चल 3 शाबाश, 4 चल, 5 6 7 यस 8 बढ़िया, चलो एक एक और। तो गाइस चेस्ट का वर्कआउट किया, पहले वर्कआउट में इतने ज़्यादा वेट लगा लिया कि पहले तो इधर पेन था ही और एकदम से झटका लगा, शायद इंजरी होगी थोड़ी सी, और भाई ने बताया कि टिश्यू थेरेपी करानी है, तो कल या परसों में ही करा लूँगा, क्योंकि इंजरी हो रही है तो होते 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 एक्सटर्न हो जाए,
तो बहुत ज़रूरी है, आप भी ध्यान रखो इन चीज़ों का कि जब ना उठे तो छोड़ दो। इसलिए मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं पुश हुआ तो मैंने वहीं छोड़ दिया। अगर मैं और जोर लगाता तो शायद यहाँ की मसल जो है फ्लेक्स हो जाती। तो वर्कआउट फिनिश, अब आ गए। तो अभी चलते हैं अपने नए जिम पे। चलो तो गाइज, टाइगर भाई के जिम पहुंच चुके हैं और जिम का टूर करा दे तुम्हें। जिम में अभी लाइटिंग लगी है और मिरर लगे हैं, मशीन रह रही है, और आ जाओ। तो गाइज, टाइगर भाई के जिम पे आए हैं, बस 5 दिन बच रहे हैं। पूरी जिम तुम देख रहे हो, पूरे 5 दिन में बिल्कुल मस्त हो जाएगा जिम। उसके बाद ओपनिंग करते हैं और वर्कआउट इधर ही करेंगे। 18 फाइनल है, फाइनल कर दिया। तो गाइज 18 को ओपनिंग है, 18 को कंफर्म ओपनिंग है, और 18 को भाई अपने भाई मीटअप है पूरा 18 तारीख को। बताइए भाई एड्रेस। एड्रेस है, एड्रेस क्या है वो भी ना पता। चंपा गली तो मुझे भी याद है, चंपा गली में पूरा एड्रेस बता दूंगा। चंपा की गली 108 ए चंपा की गली गौतम नगर में। भाई कोई गौतम नगर में तो मैं ढूंढ लोगे तुम। मेरे भाई फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा है, जो भी मेरा भाई आना चाहता है मोस्ट वेलकम। हम करेंगे संडे 18 तारीख ओपनिंग, और 1 बजे की ओपनिंग टाइम है। तो जिस भाई को भी आना है जिम आके देख सकते हो। इसके अलावा जिस भाई को भी अपना प्यार दिखाना, पूरी टीम होएगी, हम भी होंगे और बहुत सारे लोग होंगे, वो सब अपने अपने इंस्टाग्राम पे डाल ही देंगे। आप लोगों को पता ही चल जाएगा कौन कौन आ रहा है, लेकिन हम सब तो आ ही रहे। एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी जिम में आगे। पास काफी लड़के यूट्यूबर आते हैं, कहते भाई लाइट कम आपके जिम में, ये कम है। और जैसे कि एक बात मुझे बहुत टाइम पहले लगी थी, जैसे कि मेरे आदि भाई ने बोली भाई आपके जिम में स्पेस कम है, आबादी स्पेस कम नहीं है। अब नहीं है भाई, अब नहीं बोल सकते स्पेस कम है। आदि की बात को वाइज से सर्च कर लगा कि भाई ये एक जगह, और मैं आपको बता दूं मेरे कोई किराए की जगह खरीदी है, खरीदी वाली। तो खरीद के बता दी, कोई किराए की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मुद्दे में बैठेंगे अपने तरीके से बैठेंगे। जय राम जी के, राम का नाम लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो गाइज इस व्लॉग को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वर्कआउट तुमने देख ही लिया है, इंजरी अपने हाथ में हो गई, हाथ भी ऐसा उठा रहा हूँ ना, अभी ड्राइव कर रहा था जब भी हाथ में पेन हो रहा था। तो टिशू थेरेपी कराऊंगा 1-2 दिन में, बस जल्दी से रिकवर हो जाए, कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। इंजरी होगी तो भाई रेस्ट देना पड़ेगा, और वो मैं चाहता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वेट चला है 91, इससे ऊपर लेके ही जाना है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। लव यू ऑल एंड बाय।